हेलो गाइस एंड वेलकम टू विद्याफर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सेंट्रल बैंक के बारे में, और हम अब जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है जो कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, इस वाली यूनिट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और हम बातचीत करेंगे अभी एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, इसके बाद बात होगी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इसके बाद ये बात होगी कि कैसे महंगाई बढ़ती है, कैसे महंगाई को रोका जाता है, और दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, बहुत सारी और भी बात होगी। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। दरअसल एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये हम लोग थोड़ा समझने की बात है कि यार हम जब बात कर रहे हैं डिमांड की, डिमांड इट मीन्स विलिंगनेस टू बाय, कि चीज़ को खरीदने की इच्छा, राइट। लेकिन डिमांड जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड इट मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसको एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कितना खरीदना चाहेगा, ये बात होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड की, तो हम एक चीज़ को पूरा मार्केट कितना खरीदना चाहेगा वो बात होती है। तो वहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट की बात हो रही, किसी एक चीज़ की बात हो रही, किसी व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक चीज की नहीं, जब हम बात करते हैं दुनिया की, मतलब हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं और उनको खरीदने वाले जितने भी हैं, उन सब को मिला जुला के टोटल कितनी डिमांड हो रही है, उसका नाम एग्रीगेट डिमांड है। अब ये थोड़ा बात थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगी कि सब चीजों को मिला के सब लोग कितना खरीद रहे हैं, ये कैसे पता करें। तो इसको पता करने के लिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझना कि देखिए कोई भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं दस रुपये की कोई पर्टिकुलर चीज़ है और मैं उसकी क्वांटिटी जो है दस क्वांटिटी परचेस करना चाहता हूँ। 10 रुपये की एक चीज़ है और 10 क्वांटिटी में उसकी परचेस करना चाह रहा हूँ। इट मीन्स ये हुआ कि मैं एक्सपेंसेस करना चाहता हूँ, और एक्सपेंसेस कितना करना चाह रहा हूँ मैं, 100 रुपीज़ का, राइट। इट मीन्स ये हुआ कि हम देखें कि जो डिमांड है, डिमांड इनफैक्ट है क्या, डिमांड इनफैक्ट खर्चा है, डिमांड इनफैक्ट एक्सपेंसेस है, या हम कहें कि विलिंगनेस टू एक्सपेंस है, हम जो खर्चा करना चाहते हैं वही डिमांड है, राइट। भी मैं 10 चीजें खरीदना चाहता हूं 10 रुपए की प्राइस पर, प्राइस को मारो बोली, मैं 10 चीजें खरीदना चाहता हूं, आई डिजायर टू परचेस 10 क्वांटिटी एट प्राइस ऑफ 10, इट मीन्स आई एम डिजायर टू एक्सपेंस 100 रुपीज, राइट। सो समवेयर एक्सपेंसेस एंड डिमांड आर वेरी मच सिमिलर थिंग। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जब हम डिमांड वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये कि हम जो विलिंगनेस की बात है, हम जो फ्यूचर में होने वाला जो खर्चा है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल खर्चे की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड खुद अपने आप में डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब ये बात कर रहा था मैं किसी एक व्यक्ति की, तो ये एक व्यक्ति का खर्चा हो गया, राइट। इसी टाइप से भी हम पूरे देश में जितना भी खर्चा हो रहा है, पूरे देश में जितना भी खर्चा हो रहा है, वो पूरे खर्चे को हम प्लस कर लें, तो पूरे खर्चे को हम यदि प्लस कर लें तो क्या आएगा, पूरे खर्चे को हम यदि प्लस कर लें तो वो आएगा एग्रीगेट डिमांड, राइट। हमने मान लीजिए कि पूरे देश में, हमने एक एग्जाम्पल तौर पर मैं ले रहा हूँ कि मान लीजिए पूरे देश में 1 लाख रुपए का लोग खर्चा करना चाहते हैं, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि जो है हम लोग 1000 चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं और उनकी एवरेज प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ एवरेज प्राइस होगी, जिसको हम जनरल प्राइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनरल प्राइस लेवल, राइट। तो जनरल प्राइस लेवल जो है वो 100 का है और 1000 क्वांटिटी हम खरीदना चाह रहे हैं, तो 1000 क्वांटिटी हम यदि खरीदेंगे तो अल्टीमेटली हम कितना रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली हम जो है 1 लाख रुपए हम खर्चा करना चाह रहे हैं। तो जो 1 लाख रुपए हम खर्च करना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये ऑन एन एवरेज प्राइस पर, जनरल प्राइस पर, देश में जो ऑन एन एवरेज जो 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 प्राइस लेवल चल रहा है, उस प्राइस लेवल पर लोग 1 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं। तो 1 लाख रुपए जो है ये एग्रीगेट डिमांड है, राइट। ये 1 लाख रुपए जो क्या है वो एग्रीगेट डिमांड है। मैंने इस बातचीत की शुरुआत इस कॉन्सेप्ट को समझने से की, बजाय कि इसके जो आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं तो उसे कंपोनेंट पढ़ने लग जाते हैं,
बट लेकिन हमें अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि भाई एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पे वर्ड का इसका मीनिंग क्या है। तो इस वर्ड का मीनिंग ये है कि पूरे देश के, पूरे देश के यानी कि पूरी एक इकोनॉमी के जितने भी लोग जितनी भी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, राइट, यानी जो टोटल खर्चा करना चाहते हैं, उस टोटल खर्चे का नाम ही क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, राइट। तो इसके तो हमें एक चीज क्लियर हुई कि भाई ये एग्रीगेट डिमांड इट मींस क्या, एग्रीगेट डिमांड इट मींस टोटल खर्चा। अब टोटल खर्च है तो टोटल खर्च को हम यदि प्लस कर लें, टोटल खर्च को यदि हम यदि प्लस कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। अब यानी जो टोटल जो खर्च हो रहा है उस टोटल खर्च को हम प्लस करेंगे तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। और टोटल खर्च जो जितने भी सेक्टर है वो सभी सेक्टर खर्च कर रहे होंगे, उन सभी सेक्टर का हम यदि खर्चा प्लस कर लें तो देखिए हमें मालूम है कि टोटल इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं। मेनली जो हम फोर सेक्टर की बात करते हैं, मेनली फोर सेक्टर होते हैं, जैसे कि आप वो आपने शुरुआत में सर्कुलर फ्लो पढ़ा हुआ है कि ये हाउस होल्ड होता है, ये फर्म होती है, हाउस होल्ड जो है खर्च कर रहा है कंजप्शन खर्च, और फर्म जो है इन्हें फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट एक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट एक सेक्टर है। इसके अलावा हमने एक और सेक्टर पढ़ा हुआ है कि एक और जो सेक्टर है वो हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइप से चार सेक्टर है, राइट। तो टोटल चारों सेक्टर का एक इकोनॉमी में चारों सेक्टर का यदि हम खर्चा प्लस कर लें तो चारों सेक्टर का यदि हम खर्चा प्लस कर लें तो उसको बोला जाएगा एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी, राइट, एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें कंजप्शन आ जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, और इसमें नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, राइट। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी, जो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा होगा नेशनल इनकम में, कि आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट, ये चारों चीज़ों का यदि आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो यदि आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट जो है वो ये सारे हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, राइट। तो ये चारों कंपोनेंट हैं। लेकिन यदि हम इसको फर्दर स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग जो दरअसल जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है वो सिलेबस में ये सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर में हमें स्टडी करना है। कितने सेक्टर में, टू सेक्टर में। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में ही हम फिलहाल इसकी बातचीत कर रहे हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी की यदि हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें दो चीज़ें लेना है कि लोग उन दो टाइप के खर्चे करते हैं, लोगों ने आम पब्लिक जो है दो टाइप के खर्चे करती है, या तो वो कंजम्पशन करते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट, या तो वो कंजम्पशन करते हैं या फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक। तो हम टू सेक्टर इकोनॉमी में स्टडी कर रहे हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहा वो अब टॉपिक ये रहा कि एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से मेन दो सेक्टर होते हैं, एक तो आपका हो गया हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म, दो ही मेन सेक्टर है। अब आपके ये दोनों मेन सेक्टर हैं, और तो इन दोनों मेन सेक्टर का यदि हम खर्चा देख लें तो दोनों मेन सेक्टर का खर्चा कौन कौन सा है, एक तो हो गया भैया आपका कंजप्शन और दूसरा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया, पहला हो गया आपका कंजप्शन, दूसरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। अब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को यदि हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। अब हम इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके समझते हैं। तो आगे इसको समझते हैं, इस एग्रीगेट डिमांड को शेड्यूल बना रखे और इसका जो है डायग्राम बना करके। देखिए इसके शेड्यूल जब हम बनाते हैं तो इसको हम लेवल ऑफ इनकम्स के थ्रू देखते हैं। तो वैसे खैर अब आगे हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, शायद ही आया होगा जैसे आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में आया होगा यार जब भी हम डिमांड की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो डिमांड करो तो डाउनवर्ड होता है, राइट। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन शायद आया हो कि यार ये तो अपवर्ड की बात कर रहा है, जब हम एवरेज डिमांड बनाते हैं तो इसका कर्व जो है बुक्स वगैरह में देखेंगे तो यही दिया हुआ है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसके पीछे, या कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। देखिए जब हम इंडिविजुअल डिमांड को भी इनकम के साथ यदि देखेंगे, इनकम के साथ यदि हम उसको कंपेयर करेंगे या उसको उसको यदि प्लॉट करेंगे तो वो भी अपवर्ड ही रहेगा, राइट।
और प्राइस के साथ करेंगे तो डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है वो कम होती है, तो क्या रहेगा, जब नेगेटिव रिलेशन है तो डाउनवर्ड, और जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो कैसा जाएगा कर्व, कैसा जाएगा कर्व, अपवर्ड जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए उसका पहले ही मैंने जवाब दे दिया कि जो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व जो है वो यदि अपवर्ड होता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, उससे सिर्फ इतनी सी कहानी है कि भाई हम यहाँ पर उसको इनकम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यदि हम यदि यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल के साथ यदि हम उसको कंपेयर करते हैं या जनरल प्राइस लेवल के साथ यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी डाउनवर्ड आएगा। यदि जनरल प्राइस लेवल के साथ करते, हम प्राइस लेवल की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर देखते हैं इनकम लेवल पर, या इसको हम एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोल सकते हैं या हम आउटपुट लेवल भी बोल सकते हैं। अब इसमें भी आपके साथ में कंफ्यूजन हुआ होगा कि यार इनकम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लगभग इन मतलब आप कहें कि आउटपुट और इनकम मेनली इनकी हम बात कर ले तो इनको जो है वो एक ही लेवल पर समझा जाता है, क्योंकि ये सोचा जा समझा जाता है कि जितना आउटपुट हुआ है उतनी ही इनकम जनरेट हुई होगी। क्यों, जैसे कोई भी चीज़ बनी, अब कोई भी चीज़ बनी है, मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ बनी है, तो उसमें किसी के पास 10 रुपये की रेंट गया होगा, किसी के पास इंटरेस्ट गया होगा, किसी के पास प्रॉफिट गया होगा, किसी के पास कमीशन गया होगा, किसी के पास बोनस गया होगा, किसी को जो रॉयल्टी मिली होगी, राइट। तो वो जो 100 रुपये की चीज़ जो मार्केट में जो 100 रुपये का जो आउटपुट जनरेट हुआ है, वो 100 रुपये का आउटपुट जनरेट हुआ है, इट मीन्स वो इनकम लोगों के पास पहुंची है, राइट। तो इनकम जब लोगों के पास पहुंची तो आप 100 रुपये की इनकम बोल दे या 100 रुपये का आउटपुट बोल दे, बात है कही, राइट। तो आउटपुट लेवल हम बोल सकते हैं इसको, हम इसको इनकम लेवल बोल सकते हैं, राइट। तो इनकम लेवल में मान लेता हूँ कि इनकम का लेवल 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, राइट, और फिर जो है 60 के बाद 70। तो इस तरीके से मैंने इसको प्लॉट कर दिया, राइट। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल है, और कंजप्शन के पीछे कहानी है जिसको हम कंजप्शन फंक्शन बोलेंगे। तो कंजप्शन फंक्शन की कहानी क्या है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम कंजप्शन को प्लॉट कर लेता हूँ। मैं कंजप्शन को जीरो पर भी मैं लिख रहा हूँ इसको, कि जीरो पर भी कंजप्शन होना चाहिए आपका 10 होना चाहिए, मैंने ऐसे लिख लिया है करना चाहिए, क्योंकि जीरो पर भी कंजप्शन रहेगा। जीरो पर भी कंजप्शन कौन सा कंजप्शन रहेगा, जीरो पर भी जो कंजप्शन रहता है उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। अब ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम हो ना हो, आपकी इनकम हो ना हो, लेकिन आपका खर्च जरूर होगा। देखिए मान लीजिए आपके पापा को 2 महीने के लिए सैलरी नहीं मिली, 2 महीने के लिए सैलरी मिली तो आप खाना नहीं खाओगे क्या, आप कपड़ा नहीं पहनोगे क्या, आपके जो जनरल जो आमतौर पर जो बेसिक खर्चे हैं वो तो होना ही होना है, राइट। तो वो आपकी इनकम हो या ना हो, जैसे कि हम सबसे बेसिक खर्चे की बात कर लें, अरे यार दाल रोटी चावल पानी तो व्यक्ति खाएगा ना, भूखे तो नहीं मरेगा, कुछ भी करेगा वो, हो सकता है कुछ भी क्या करेगा, जो उसकी पुरानी सेविंग है वो खत्म होगी, ये हो सकता है, या फिर वो कहीं और से लोन लेगा, ये हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पर फिलहाल ये मान लेते हैं कि उसकी जो पुरानी सेविंग है वो खत्म हो जाएगी, राइट। क्योंकि हम एक इन जनरल जी हम बात यदि इसको सोचे भी तो हम एक आम बात कर रहे हैं, तो एक आम नज़रिए की यदि बात की जाए तो कोई व्यक्ति रोटी पाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ा है तो एक बहुत एक्सट्रीम बात है। तो बेसिक खर्च हमेशा होता है, भले आपकी इनकम उस लेवल पर कुछ हो रही है या नहीं हो रही है, और वैसे भी हम क्या है इन जनरल बात कर रहे हैं, हम पूरे देश के लेवल पर बात कर रहे हैं, तो पूरे देश के लेवल में कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही होगा, भले इनकम हो या ना हो। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये इनकम ये जो खर्च है भाई, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो खर्च बढ़ता कि नहीं बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ता है। मैं ऑन एन एवरेज में मान लेता हूँ कि खर्च जो है वो जितना पहले खर्च था, अब इनकम जो बढ़ी है उस इनकम का आधा हम लोग खर्च कर जाते हैं। क्या खर्च कर जाते हैं, मैं एक मिनट, इससे आपको एक बात ये भी समझ में आएगी कि कंजप्शन के दो चीज हुई, कंजप्शन में दो चीज शामिल हुई, एक तो हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस ऑटोनोमस कंजप्शन, मैंने यहाँ पे कितना माना है 10, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोलूंगा मैं, तो ये 10 प्लस, मैं मान लेता हूँ कि इनकम जितनी भी बढ़ रही है
उसका 50% हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। अब 50% यानी क्या हो गया, 0.5 लिख दूं मैं। और यदि जितनी भी इनकम बढ़ रही है या जितनी भी इनकम हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, उस एक्स्ट्रा इनकम का हम लोग क्या कर जाते हैं, आधा पैसा कंज्यूम कर जाते हैं। तो आधा पैसा हमने कंज्यूम कर लिया, तो हमारे पास अभी इनकम कितनी है, 10। इनटू आप यदि 10 करेंगे, जो हमारे पास मतलब उस पर्टिकुलर लेवल पर जितनी भी इनकम है, उस इनकम को हम लोग क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। तो देखा जाए तो खर्च कितना हो गया, 10 और 5 कितना हो गया, 15। यानी कि जब इनकम 10 है तब खर्च कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। या आप सिंपली ये आपको फिलहाल तो इसको प्लॉट कर लीजिए, 10 है, 10 के बाद आपने 15 किया, फिर 5 और बढ़ाइए 20 हो जाएगा, फिर 5 और बढ़ाइए 25, फिर 5 और बढ़ाइए फिर 30 हो जाएगा, फिर 5 और बढ़ाइए ये हो जाएगा 35, फिर 5 और बढ़ाइए ये हो जाएगा आपका 40, फिर 5 और बढ़ाइए 45, राइट। इस तरीके से आपने लिख दिया, 45 तक आपने पहुँचा दिया। अब मैं इसके बीच की कहानी बताता हूँ कि सी में दो चीज़ें शामिल है, सी में दो चीज़ें शामिल है, एक ऑटोनोमस कंजप्शन और दूसरा जो इनकम है, इनकम का एक पर्टिकुलर हिस्सा। जैसे इनकम बढ़ी है तो हम इनकम का एक हिस्सा जो हम कंज्यूम कर जाते हैं, तो वो जो इनकम का हिस्सा हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो 0.5 है इसको मैंने बी लिख दिया। इसको मान लीजिए मैंने बी करके एक सिंबल दे दिया, और ये क्या है, ये इनकम है, तो बी वाई हो गया। तो ये फार्मूला हो गया कंजम्पशन फंक्शन का, ये फार्मूला क्या हो गया, कंजम्पशन फंक्शन का। तो यदि आपको कंजम्पशन फंक्शन समझाने के लिए आता है तो इस टाइप का फार्मूला लिखना, सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी वाई, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट करता है वैसे एमपीसी को। अब एमपीसी क्या होता है आगे बात करें, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम जो इनकम है, जो इनकम बढ़ी है, उस इनकम का कुछ हिस्सा हम कंज्यूम कर जाते हैं और कुछ खर्चा तो हम ऑलवेज करते ही करते हैं। जो ऑलवेज खर्च हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। एक्सपेंसेस बीज एग्जिस्ट एट इवन एट ए जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट एक्सपेंसेस इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। और लाइक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन तो हमेशा रहेगा रहेगा, और जो इनकम बढ़ रही है उसका कुछ हिस्सा हम लोग जो है कंज्यूम कर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट जो है कंजम्पशन उनको मिलता जाएगा। जैसे हम यदि मान लीजिए इसको ट्राई करते हैं, तो 10 तो आपका हो गया, प्लस इस लेवल पे इनकम कितनी है, 20 है। तो हमने क्या किया, 0.5 इंटू 20 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 प्लस 10 ये हो गया 20, राइट। तो ये कंजम्पशन लेवल को पता करने का तरीका है, ये कंजम्पशन लेवल को पता करने का एक फार्मूला है कि किसी पर्टिकुलर इनकम लेवल पर कंजम्पशन कितना होगा उसको पता करने का तरीका है कंजम्पशन फंक्शन, या हम कह दें कि ये कंजम्पशन का फार्मूला, ठीक। तो ये चीज़ तो हो गई कि हमने जीरो यहाँ से 10 लिखा, फिर तो उसके बाद 5 बढ़ाते गए, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट को जो है ऑटोनोमस मानते हैं। क्या मानते हैं, ऑटोनोमस। हमें मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हम एक निश्चित रेट से करते रहते हैं, भले वो हमारा लेवल आप इनकम की कुछ भी हो। इसको हम सिंपली ऐसा समझ लें कि जैसे कि एक फैमिली है, तो वो फैमिली में जैसे आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो मान लो, तो इंश्योरेंस पॉलिसी हम किसी महीने पैसे कम भी आए किसी महीने ज़्यादा भी आए, तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट जो भी है, तो वो इंस्टॉलमेंट जो प्रीमियम है वो आपको इतना ही पे करना है। तो हम लोग आमतौर पर इन्वेस्टमेंट का खर्चा जो है फिलहाल क्या मांग रहे हैं, ऑटोनोमस मांग रहे हैं। तो मैंने इसको 5 5 5 5 5 5 और 5 लिख दिया। यानी कि जब भी ऑटोनोमस वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये कि वो कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा, इनकम लेवल के साथ साथ चेंज नहीं होगा वो। इन दोनों को मैं यदि प्लस करूँ तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। फिर इसको प्लस किया मैंने, कितना हो जाएगा, 20। फिर मैंने इसको प्लस किया, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। फिर मैंने इसको प्लस किया, ये हो जाएगा आपका 30। फिर मैंने इसको प्लस किया, कितना हो गया, 35। फिर मैंने प्लस किया, ये आ गया 40। फिर मैंने इसको प्लस किया, ये हो गया 45। फिर मैंने प्लस किया, ये हो गया 50। यानी कि आपको अल्टीमेटली ये दुनिया का सबसे आसान टेबल बता रहा हूँ मैं, बाकी मैक्सिमम बुक्स में आप देखेंगे तो टेबल के नंबर कुछ और दिए हैं, तो आप हो सकता है कन्फ्यूजन हो, पर इसमें बड़ा आसान है। 5 5 5 बढ़ाते जाओ, ये 5 5 बढ़ाते गए, यहाँ 5 5 लिख दिया, यहाँ पर भी जो है पहली बार 15 आएगा, इन दोनों को प्लस किया, फिर जो है इसका मतलब ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो इनको प्लस करते जाओ, 5 5 बढ़ाते जाओ, राइट है। अब इसमें आपको जहाँ पर कंजप्शन और इनकम बराबर हो, ये आ गया वाला पॉइंट,
ये वाले पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि खर्चा और जो आपकी कमाई है, खर्चा और आपकी जो कमाई है वो बराबर है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप आगे जाकर के हमें इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। खैर इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं लेकिन उनको सबको हम अभी समझ रहे हैं। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं एग्रेगेट डिमांड का शेड्यूल कैसे बनाएं। एग्रेगेट डिमांड का शेड्यूल बनाने के लिए हमने कंजम्पशन लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा, दोनों को प्लस किया, एग्रेगेट डिमांड आ गया। ठीक, इस बीच में हमने कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। अब मैं फाइनल बात कर रहा हूँ कि हम इनकम और एग्रीगेट डिमांड को हम यदि प्लॉट करें तो किस टाइप का जो है डायग्राम बनेगा। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, जल्दी से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि यदि आप देखें, एक मिनट, यदि आप देखें कि आप जो इनकम लेवल है उसको तो आप जो है प्लॉट कर दीजिए एक्स एक्सिस पर, और एग्रीगेट डिमांड जो है उसको आप प्लॉट करेंगे हम वाई एक्सिस पर। ये हमने प्लॉट किया, हमने इसको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पर, तो 0 10, ये हो गया 0 10 20 30 40 50 60 70, राइट। फिर आप यदि इसको इस पर प्लॉट करेंगे तो पहले शुरुआत हो रही है आपका 15 20 टाइप से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये 10 हो गया 20, फिर जो है आप 30 40 50 60 70। अब आप यदि इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए 15 यहाँ पर आएगा, फिर आप देखेंगे कि जो आपका 0 पर जो हो गया 15, फिर 10 पर होगा 20, तो 10 पर 20 यानी कि यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आप सारे पॉइंट प्लॉट कर लेंगे और इस तरीके का एक इस टाइप का एक डायग्राम बनेगा, या ऐसा कर्व बनेगा, अपवर्ड साइड में कर्व बनेगा। इस कर्व को हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व, इस कर्व को हम क्या बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व। यदि इसी पर हम यदि कंजप्शन का जो है सिर्फ कंजप्शन का कर्व यदि हम प्लॉट करें तो देखिए एग्रीगेट डिमांड से कितना दूर है, 5 5 दूर है। तो शुरुआत होगी इसकी 10 से और ये इससे 5 5 हमेशा दूर रहेगा। तो ये कौन सा कर्व हो गया, ये हो गया कंजप्शन कर्व, कौन सा कर्व हो गया कंजप्शन कर्व। और यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 5 से शुरू हो रहा है, ऑलवेज 5 5 5 पर ही रहेगा, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व, राइट। तो आप एक ही डायग्राम पर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड को प्लॉट कर देंगे, इससे आप क्या कर पाएंगे, इससे आप एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, थोड़ा कंफ्यूजन ना, इसलिए वापस लिख देता हूँ, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये कंजम्पशन कर्व है और ये इन्वेस्टमेंट कर्व है। अब आपने ये तीनों प्लॉट कर दिए, एग्रीगेट डिमांड को प्लॉट करना बड़ा आसान, इन सबको प्लॉट करना बड़ा आसान है। यदि आप शेड्यूल बड़े आसानी से बनाएंगे तो इसको प्लॉट करना बड़ा आसान रहेगा, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 10 10 के बाद में 5 5 प्लस करते जाओ, यहाँ पर 5 5 लिखना है और इसको फिर इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा और इसको प्लॉट कर देंगे। अब ये सब सारी चीज़ें हमने प्लॉट कर दी, हमने शेड्यूल बना लिया, इन सब से हमें अल्टीमेटली फ़ायदा क्या, अल्टीमेटली हमें किस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। देखिए हम इसमें जो क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे वो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड इट मीन इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, या ऑल द आप उसको ऐसा बोलें कि एग्रीगेट टोटल, एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। या फिर हम तो बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, तो इट इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आपने इसको प्लॉट कर दिया और ये डायग्राम बना दिया। इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है, मान लीजिए कि रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड एग्रीगेट डिमांड, तो आपने ये प्लॉट किया और फिर आपने जो है इसको कहें कि इसका जो आपने क्या कर दिया, इसको आपने इसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये भी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, ये भी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इन्वेस्टमेंट का रहेगा, राइट। तो आप एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को यदि आपको आंसर देना है तो आपने इस टाइप का शेड्यूल और यदि आप ये डायग्राम बनाएंगे तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन हो पाएगा। ठीक, खैर एग्रीगेट डिमांड के बारे में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, और उससे अगले वाले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे
कि इनको इकोनॉमिक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो या बोले कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें और उसका इकोनॉमी को समझने में क्या योगदान है। ये जो दरअसल हम जो पढ़ रहे हैं ये केन्सियन की थ्योरी है। केन्सियन एक बहुत वेल नोन इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने थ्योरी दी है और उनकी थ्योरी से ये वाला जो पार्ट है हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ये पूरा जब पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको समझ में आएगा कि ये थ्योरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत ही शानदार थ्योरी है। ठीक, खैर फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इस चैनल को आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों कर ले और कमेंट भी कर दे। ठीक, थैंक यू।